नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की नकल पूरे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। माकपा ने आरोप लगाया है कि ऐसा कर भाजपा देश में खतरनाक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। पार्टी के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद सीताराम येचुरी ने एक पत्रकार वार्ता में यह बयान दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में NRC की मांग की थी, जबकि NRC असम समझौते का हिस्सा था और असम राज्य के लिए विशेष था। उन्होंने कहा कि NPR खतरनाक है, इस सरकार ने NPR की तैयारी को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार इस NPR के आधार पर अखिल भारतीय NRC की तैयारी करने जा रही है। सीताराम येचुरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ राज्यों को निरोध केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली इमारतों का निर्माण शुरू करने के लिए कहा गया है। CPIM की केंद्रीय समिति NRC के असम के बाहर विस्तार का विरोध करती है। येचुरी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ इमारतों को निर्माण करें जिसे डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि असम का डिटेंशन सेंटर, जहां विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशियों को घोषित किया गया है, वहां बुनियादी सुविधाओं का बेहद अभाव है और वहां मानवाधिकारों के खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सभी कवायद गैर जरूरी है, क्योंकि देश में आधार कार्ड को सार्वभौमिक बना दिया गया है। फोटो पहचान पत्र मतदाता सूची वाले EPIC में देश के सभी मतदाताओं की सूची है, जिसे हर साल नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। असम NRC की बात करते हुए येचुरी ने आरोप लगाया कि असम NRC से अलग पूरे देश में एक साथ NRC का विस्तार करने की बात, NPR की गणना, निर्वाचक सत्यापन प्रक्रिया द्वारा मतदाता सूची का दोहराव और नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करने का आश्वासन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कवायद है। येचुरी ने कहा कि यह सभी कुछ देश में RSS और भाजपा अपने सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रही है। धन्यवाद।